इट्स अमेजिंग. मतलब है ना, मेरा ड्रीम था 4 इयर्स. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग. गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30. साढ़े नौ बज रही हैं. मैंने मेरा ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट कर लिया है. और कल रात का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ. जैसे ही मैंने व्लॉग एंड किया और मैं सो गई थी, 10:30 बजे मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी तो मैं सो गई. और फिर उधर साइड मेरी अटैची पड़ी हुई है, उधर साइड, जस्ट यस, इधर साइड अटैची के नीचे चूहा हिल रहा है, यानी अंदर से आवाज़ आ रही है. तो चूहे उठ जागे हुए थे. फिर उन्होंने बिल्कुल पूरा कम्प्लीटली पता किया उधर साइड ही है चूहा. फिर मुझे उठाया, उठो. मैंने कहा क्या हो गया इतनी रात को. लगभग उस टाइम पे 1 बज रही थी. तो फिर हमने यहाँ से तो चूहा जैसे तैसे करके 1 घंटे में रूम से बाहर निकाला. इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कभी तो मिल ही नहीं रहा. फिर वो जैसे ही बाहर निकला चूहा, मारना नहीं है उसको, बस बाहर फेंक देना है. घर में, रूम में क्या है ना, मैं कंप्यूटर के और प्रिंटर के कहीं वायर काट दिए तो चक्कर पड़ जाएगा तब. इसलिए कैमरा भी बाहर ही रहता है. उछल कूद करते हुए कुछ कहीं गिरा गया तब दिक्कत है. तो अब रूम की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ. बेड के नीचे इतना ड्रायर डाला है, यानी नीचे के चूहा होगा तो निकल जाएगा गर्माहट से. तो सारा कचरा निकल गया है, तो सारा इस अलमारी के पीछे चला गया है, पीछे सारा इकट्ठा हो गया है. तो निकाल देती हूँ. रूम तो काफ़ी हद तक मैंने क्लीन कर दिया है. अब जो बचा कुचा है वो कल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ. 10:30 होने आ गई है. अब खाना वाना भी बनाना है, नहीं तो शॉप पे जाने के लिए लेट हो जाऊँगी. देख लेती हूँ क्या है हरी सब्ज़ी में, कटिंग करके खाना वाना बना देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ रेडी होने के बाद. मैं हो गई हूँ रेडी और अभी बनाऊँगी मैं खाना. खाना बना के और ये सब फ्री होके शॉप पर जाते टाइम ही आपसे अब मिलती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि थोड़ी हो गई हूँ लेट. इसलिए खाना बन गया है और अभी मैं जस्ट खाना खाने बैठी हूँ. आज मेड भी नहीं आई है, किस्मत ही ख़राब है. आज घर का भी काम इतना था और खाना भी बनाना था और मेड भी नहीं आई है, इसलिए सलाद, रोटी, मूंग की दाल और ये तोरी की सब्ज़ी और ये छाछ, खाना वगैरह खा के काम वगैरह करके मिलती हूँ आपसे. अभी आ गई हूँ शॉप पर और बहुत ज़्यादा लेट हो गई. आज मेड नहीं आई थी इसलिए पूरे घर का काम भी करना पड़ गया. 1 बज गई है अभी. क्या भागी हूँ ना मैं आज, ज़बरदस्त. बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, एसी चालू कर देती हूँ. मामा अर्थ का स्टॉक अभी ख़त्म हो गया है, कल तक आ जाएगा. जिसको कुछ भी चाहिए हो शॉप करो पे डायरेक्ट डीएम करो, या फिर शॉप करो के इंस्टाग्राम अकाउंट पे डायरेक्ट डीएम करो, या फिर शॉप करो कि एप्लीकेशन है वहाँ पे भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हो. वेबसाइट भी है, एज़ यू विश, आप कहाँ से शॉपिंग करना चाहते हो. और बाकी कुछ भी है, अभी सेल चल रही है शॉप करो की. मैं आपको बता देती हूँ शॉप करो की सेल के बारे में. शुगर पे चल रहा है 10% ऑफ, अजमल पे चल रहा है 30% ऑफ, और शॉप करो एरेंस पे चल रहा है 30% ऑफ, मरियाज पे चल रहा है 40% ऑफ, कॉटन मिस पे चल रहा है 50% ऑफ, मिशेल पे चल रहा है 15% ऑफ, और वॉ पे चल रहा है 20% ऑफ, यार्डले पे चल रहा है 15% ऑफ, और मोमार्थ पे चल रहा है 15% ऑफ, बॉम्बे शेविंग कंपनी पर चल रहा है 30% ऑफ, और अरियाना पे चल रहा है 15% ऑफ, और लॉरियल पे चल रहा है 5%. और ये सारे ऑफ हैं 1000 की शॉपिंग के बाद ही अप्लाई होंगे. मिनिमम आपकी शॉपिंग 1000 होनी ही चाहिए, इसके बाद ये ऑफ़ है वो अप्लाई होगा. अगर किसी को कुछ भी परचेज़ करना हो तो आप मुझे भी इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, आपको ये ऑफ़ मिल जाएगा. इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जाके शॉपिंग करो अगर कुछ भी चाहिए हो तो. मेरी वीडियो पे अभी व्यू ही नहीं आ रहे, मैं बहुत दुखी हो रही हूँ आजकल.
मैं इतनी मेहनत करती हूँ, सुबह से लगाकर शाम तक लगी रहती हूँ वीडियो बनाने के लिए। मेकअप के ट्यूटोरियल भी बनाने हैं अभी, बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में सोच रखे हैं, इस पे बनाऊँगी, एग्जीक्यूट पर हो ही नहीं पा रहा। क्योंकि क्या है ना, अभी 3 दिन से शॉप पे इन्वर्टर ख़राब हो गया, एकदम बैटरीज ही ख़त्म हो गई। तो कल वो बैटरी सारी प्रॉपर चार्ज होके आई है, तो आज इन्वर्टर है वो कंप्लीट लग जाएगा वापस से। वीडियो बनाते बनाते लाइटें चली गई, तब क्या करेंगे, दिक्कत वहाँ है ना, इसलिए तो आज हो जाएगा तो अच्छा है, काम हो जाएगा, अपना ट्यूटोरियल बन जाएगा जो कि मेरा फेवरेट है। यानी मुझे मेकअप की वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, बस थोड़ा सा आलस आता है ना, वो चीज़ बहुत ख़राब होती है। अगर आलस आ गया तो काम होगा ही नहीं, और आलस नहीं आया तो बैक टू बैक वीडियोज़ बनेंगी शानदार वाली, ऐसा रहता है। बाकी तो क्या है, आपके लिए ही करती हूँ इतनी सब मेहनत। लाइक करा करो वीडियो को, शेयर भी किया करो, आप मेरे सच्चे सब्सक्राइबर हो तो मेरी वीडियो को शेयर भी किया करो। इतनी ख़राब भी नहीं बनाती हूँ मैं वीडियो मेरे ख्याल से, और मेकअप के ट्यूटोरियल तो मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मेरी तो मेकअप के ट्यूटोरियल में भी सब चीज़ें बहुत ही अच्छी होती है। क्या मैं 4K में आपके लिए शूट करती हूँ, और तो क्या करूँ, मैं इतनी अच्छी क्वालिटी रखती हूँ, साउंड की क्वालिटी इतनी अच्छी रखती हूँ, मेरी ऑडियंस को सुनने में कोई दिक्कत नहीं हो, वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी रखती हूँ, मेरे ऑडियंस को कुछ यानी दिखने में कोई वेरिएशन ना आए, यानी कलर्स में वगैरह वगैरह बहुत सारा ध्यान रखती हूँ। आप भी मेरा ध्यान रखो, मेरी वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो। पर हाँ, आप बताते ही नहीं हो किस किस चीज़ों पे आपको वीडियो चाहिए, अगर बताओगे तो मैं बनाने का ट्राई करूँगी ना। मेरे पास कुछ नई नई चीज़ें होंगी तो आपके लिए मैं क्रिएटिव करने का ट्राई करूँगी, आप बताओगे ही नहीं तो मैं मेरे मन से ही बनाऊँगी वीडियो। पर मुझे क्या पता कि अब आपको क्या देखना है, अगर आपको देखना है तो आप मुझे बताओ तो मैं इस पर ट्यूटोरियल बनाऊँगी। मैं अभी यहाँ पर सलून में आ गई हूँ आगे से, और देखो कौन आया हमारे पास हेयर कट कराने के लिए, हेली आई है। ठीक है चलो आज इसके हेयर कट करते हैं। कैसा लग रहा है? हेली कैसे लगे बाल? अमेजिंग, मतलब है ना, मेरा ड्रीम था 4 ईयर्स से मुझे ना छोटे हेयर्स कराने हैं, बट कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन अब बता रही हूँ भाभी के पास ना हेयर कट करवा के, लग रहा है कि वाओ इट्स अमेजिंग, मतलब इतना अच्छा हेयर कट दिया ना भाभी ने, नाइस। आप भी प्लीज़ बताओ, जो भी यार शब्द में रहते बाहर रहते कि भी आप प्लीज़ आप यहीं पर आइए घर, बहुत अच्छा हेयर कट किया भाभी ने। अभी मैं आ गई हूँ घर पर, और घर पर अभी हम जाएंगे मेरे घर पे यानी कल्याणपुर, तो वहाँ पे जाएंगे। ये आ गए मेरे क्रॉक्स वाले जूते, मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर करे थे, इसके ऊपर अच्छा खासा ऑफ आ गया था इसलिए, पर थोड़ी सी बड़ी साइज़ आई है तो इसको मारेंगे हम रिटर्न, क्योंकि मुझे पैरों में दर्द होता है इसलिए, उसके लिए बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत ही कम्फर्टेबल। अभी हम ये निकल गए हैं और मैं हो गई हूँ रेडी, और ये हमारी कार, ये हैं हमारे पतिदेव जो वेट कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं मम्मी पापा के घर पे। Thank you.
कल्याणपुर की सीमा के अंदर आ गए, यानी मेरे पापा के घर की सीमा के अंदर आ गए। तो बस अभी पहुंचने ही वाले हैं घर पे, तो घर जाके आपसे मिलते हैं। बाय बाय बोल। अरे एसी चल। अरे एसी नहीं, बाय बाय बोल। बाय बाय बेटा। आओ जी बोल दे। फ्लाइंग किस करो? जोर से बोल। अबे बात कर, बात कर। हेलो। मैं निकल चुकी हूँ मेरे घर से और कुछ काम था इसलिए हम यहाँ पर आए थे, और वो आपको सरप्राइज मिलेगा कुछ टाइम के बाद। और अभी घर जाके फिर आप सुनते हैं। अंधेरा है इसलिए शायद मैं भी प्रॉपरली आपको दिख नहीं पा रही होगी, तो चलिए घर पे चलते हैं, खुद के घर पे। अभी आ गए हैं ये घर पे, 2 घंटे में जाके आ गए मम्मी के घर। यहाँ पर हो रही है वीडियो की एडिटिंग और ये जनाब चिकू को वीडियो की एडिटिंग नहीं करने दे रहे हैं। है ना? सही में क्यों नहीं करने दे रहे? जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हो गया है सोने का टाइम, तो सो जाती हूँ। मेरी जो रूटीन है उसको और अच्छे से ठीक कर लेती हूँ, थोड़ी सी अभी बिगड़ी हुई है, इसलिए टाइम से सो जाना, टाइम पे उठ जाना, ये सही रहता है। 10:30 होने वाली है अभी, यानी 10:15 हुई है, 10:30 तक तो मैं सो ही जाऊँगी। 15 मिनट तक आँखें बंद करके सोई रहूँगी तो वो नींद जल्दी आ जाएगी। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। बाय।